ये तो वही लड़की थी। वो चली गई उसको लेकर घर के अंदर। वो 15 नंबर वाली इस लड़की को साथ लेके गई। बहुत साल पहले मिली थी हमें। इसके घर वालों ने मार पीट कर बाहर निकाल दिया था। हम लोगों ने उसको घर दिया था इधर रहने के लिए। और वो लड़की जो 15 नंबर वाली के साथ थी, आज सुबह ही दिखाई दी थी मोहल्ले में। कांचा कर रहे थे तो हम लोगों ने पूछा, फिर दोनों का बहस चालू हुआ तो चले गए इधर से। हम बहुत यहाँ शांति से रह रहे थे। हमने 15 वाली को पहले ही बोला था कि आपका आपस का मामला है तो आपस में सुलझा लो। एक मिनट, आप ये जो 15 नंबर वाली जो कब से बोल रहे हैं, उसका कोई नाम है या बस ऐसे ही? यहाँ किसको किसका नाम पता है सर? माँ बाप ने हम लोगों को कभी अपनाया नहीं, हम लोग ने कभी नाम लिया नहीं, हमने कभी पूछा नहीं। वो 15 नंबर खोली में रहती थी इसलिए हम सब 15 वाली नाम से ही जानते हैं उनको। कोई फोटो उसकी 15 नंबर वाली की? अरे ना सर, वैसे भी हम लोग एक दूसरे को खूबसूरत लगते हैं, याद रखते हैं। मरने वालों की फोटो लगती है, जीने के लिए तो इंसानियत ही काफी हो जाती है। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेघा किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। मेघा के सामने असली चेहरा आ गया है। यहाँ पर पकड़ लेती है अर्जुन के पापा को, केपी तलवार को, कि वो घाघरा वगैरह में डांस वगैरह कर रहे हैं। और अब उसको समझ में आ जाता है ये कोई और नहीं, ये केपी तलवार है। और उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे वो पकड़ने को होती है वैसे यहाँ पर केपी तलवार भाग जाते हैं। अब होता ये है कि सिकंदर का बर्थडे है, यहाँ पर सब लोग पार्टी वगैरह कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं। पहले भी भाई मेघा को कमरे में बंद करके चले गए थे केपी तलवार, वो पहचान नहीं पाई थी। लेकिन इस बार तो भाई जब वो नीचे आती है, यहाँ पर बुआ उसको डंडों से मार रही होती है केपी तलवार को, और बोल रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें मना किया था ना भाई ये हरकत नहीं करने का, यहाँ पर तुम्हारे जो तुम्हारे अंदर का डांसर है वो बाहर नहीं आना चाहिए था पार्टी में, नहीं तो मेघा बहुत बड़ा नाटक करेगी। और इसी बात को लेके वो खूब डंडों से मारती है। और जैसे वो मार देती है, और यहाँ पर अचानक से मेघा की नजर जाती है तलवार के ऊपर, और वो देखती है, पकड़ती है और चेहरा देख लेती है। अब यहाँ पर चेहरा तो उसने देख लिया है, हंगामा भी करती है, सब लोगों को बुलाती भी है, लेकिन कोई उसकी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। भाई इतने नशे में है ना, ये हमने देख ही लिया था ना कि भाई सिकंदर की वाइफ ने उसको कितनी शराब पिला दी थी, और वो शराब के इतने नशे में होती है कि कोई उसका विश्वास ही नहीं करता है। यहाँ पर वो अर्जुन को लेकिन बोली देती है कि भाई मैंने तुम्हारे पापा को औरतों के कपड़ों में देखा था। और ये सुनकर ना सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बुआ को थोड़ा डर लग जाता है। बुआ को समझ में तो आ गया कि मेघा ने देख लिया उसकी शक्ल। तो अब देखते हैं मेघा क्या करती है और किस तरीके से यहां पर केपी तलवार अपने आप को बचाएंगे। हाल फिलहाल तो यहां पर भी मेघा ने सॉरी बोल दिया है तलवार को, और वो बोल रही है कि मेरे से गलती हो गई पापा, और मैं उस दिन होश में नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज तो आ गई है भाई ये कोई और नहीं, ये डांसर केपी तलवार है। लेकिन अब ये सच कैसे लेकर आएगी सामने, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।